हाय एवरीवन, दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरीके से वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। अगर आपको मेरे से बात करना तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनकी उनका नाम जान लेता हूँ और कितने डेज हो चुके हैं वो जान लेता हूँ, किस प्रोफेशनल में है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? हेलो एवरीवन, दिस इज रमेश जसपाल एंड आई एम अ बैंकर एंड टुडे इज माय फिफ्थ डे एंड मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट होके कार हैंडल कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, कोई हेजिटेशन नहीं है। फर्स्ट डे से फिफ्थ डे में मैंने काफ़ी कुछ सीखा और इंडिपेंडेंटली मैं अभी कार रोड पे निकाल के अच्छे से चला रहा हूँ। अभी आपको लगभग आप अपने घर से कितने किलोमीटर आ चुके हैं? अराउंड 5 किलोमीटर्स। ये आपके घर से करीब 10 किलोमीटर के आसपास है। हम लोग आ चुके हैं ये आपका बेटा के बगल में, राइट साइड में हमारे बेटा है। अंदर ही अंदर आए इसलिए पता नहीं चला है। और कितनी देर हो गई आपको चलाते हुए? अराउंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। दिक्कत कहाँ पे आ रही थी आपको चलाने में? मुझे दिक्कत फुल स्टेयरिंग यू टर्न करने में। स्टेयरिंग का राउंड अप नहीं पता था कि कितना स्टेयरिंग घुमाने से कितना टायर हमारा घूमता है ना जी। रोड पे खड़ी गाड़ी पे ये अंदाजा नहीं मिल रहा था कि हम स्टीयरिंग 90 डिग्री से घुमा रहे हैं या 20 डिग्री से। तो स्टीयरिंग को समझने के लिए कौन सा एरिया होना चाहिए? ओपन लैंड। तो वो लक है आपका कि मुझे एक लेफ्ट साइड में ओपन लैंड दिख गया और मैंने जो आपकी ये चीज़ें हैं स्टीयरिंग से रिलेटेड वो आज ही क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो फर्स्ट गियर में हो चाहे वो बैक गियर में हो। ठीक है, फर्स्ट और बैक गियर, सेकेंड और फर्स्ट का तो कोई रोल ही नहीं होता है। ठीक है, तो अभी आप कार को कौन से गियर में चला रहे हैं? फर्स्ट गियर। ठीक है, अभी आपको स्टीयरिंग लेफ्ट को पूरा 90 डिग्री से घुमाना है, पूरा फुल। हाँ, कितने राउंड घुमाए आपने? डेढ़ राउंड। 1 राउंड और हाफ राउंड। अभी इसको अभी नहीं सीधा करना है, अभी गाड़ी आने दो, अभी सीधी करो, बस सीधा हो गया। अब आपको क्या करना है, इस ग्राउंड में बॉक्स बनाना है ऐसे, यूं, समझ गए? उससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे स्टीयरिंग टर्न करना है और कहाँ पे सीधा करना। अभी जाने दो, अभी नहीं, अभी सीधी रखो एकदम स्टीयरिंग, सीधी। हाँ, बस जब मैं बोलूंगा अब स्टीयरिंग घुमाओ। घूम गई, अभी घूम ही रहने देना, अब सीधी करो फटाफट जल्दी। बस ज्यादा नहीं सीधी होनी चाहिए, टर्निंग के टाइम आप जब टर्न करो उसके बाद जब अभी सीधा रखो एकदम सीधा, लहर थोड़ा सा वो था। कोई नहीं, सीधी रखो एकदम सीधी। और स्टीयरिंग आप गलत पकड़ रहे हो, जो मैंने तरीका बताया वही पकड़ो। अगर बाइक की तरीके से अभी जाने दो, लास्ट में स्पेस है, लास्ट में, अभी नहीं, अब टर्न करो। हाँ, टर्न करो और अभी एकदम सीधी रखो, सीधी। बस ये बॉक्स बन रहा है। आप इतना बड़ा ग्राउंड है, कहीं भी घुमा दोगे उसका कोई मतलब नहीं है। हमें ये तो पता होना कि हम कहाँ से गाड़ी को घुमा रहे हैं, हम ले जाना कहाँ चाह रहे हैं। एक्चुअल हमें ये क्लियर होना चाहिए ना। अब ये तो कम से कम 5-6 बीघे का प्लॉट है, समझ रहे हैं? तो इसमें तो अगर अनोन पर्सन को भी मैं दे दूंगा तो वो भी कहीं ना कहीं स्टीयरिंग घुमा ही देगा, है ना? टकराएगी नहीं अगर वो एक्सीलेटर को यूज़ नहीं कर रहा है तो, फर्स्ट और सेकंड गियर में आराम से। अभी एकदम सीधा जाना, बॉक्स बनाना है आपको। आज स्टीयरिंग का मैं ऐसा करा दूंगा कभी भी स्टीयरिंग में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी सीधी रखो गाड़ी। हाँ, अब लेफ्ट टर्न करो। और आप सिग्नल यूज़ नहीं करते हैं, आप समझ लीजिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑन रोड। भाई सिग्नल जब आप बार बार देंगे तभी तो आप हैबिचुअल हो पाएंगे, तभी तो आपके माइंड में वो चीज़ होगी कि हाँ हमें सिग्नल भी देना होता है। अभी मैं आपको स्लोपिंग की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, सामने देख लो कितनी ऊंचाई है, यहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। लेफ्ट टर्न करो, आगे जाने दो अभी सीधा। यहाँ पे कई बार ऐसा होता ना, ऐसे एरिया में गाड़ी हमारी रुक जाती है फिर गाड़ी पीछे आने लगती है। अभी नहीं, आप टर्न करो धीरे। हाँ, धीरे, क्योंकि सामने पत्थर भी पड़े हुए हैं। बस, वेरी गुड, अभी सीधी कर लो। अब हल्का लेफ्ट आओ क्योंकि ये थोड़ा सा टैंगल टाइप में है ना ग्राउंड। बस अब सीधी रखो स्टीयरिंग, एकदम सीधी जाएगी। अब जो ये राइट साइड वाला एरिया है ये थोड़ा सा
ग्राउंड से देखा जाए चौकोर से अलग है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा अलग है। अभी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो फिर लास्ट में जाके जहां से आपने टर्न करा था वहीं से टर्न करना है आपको। अभी थोड़ी स्पीड मेंटेन करो, सेकंड गियर में करना, पहले स्पीड बढ़ाओ, सीधी रखो, स्टीयरिंग टेढ़ी कर दी आपने, पहले स्पीड बढ़ाओ और बढ़ाओ और अब क्लच दबा के सेकंड गियर छोड़ दो, क्लच और छोड़ दो, हाँ अभी नहीं, अभी और आगे जाने दो, सीधी आप थोड़ा राइट लेके चले गए ना, गाड़ी गलत लेके चले गए, आपको सीधी रखनी थी, अब टर्न करो लेफ्ट, आपको एकदम स्क्वायर में चलना ना, सीधा सीधा एकदम सीधी करो फटाफट बस। और स्टीयरिंग को जो मैंने तरीका बताया वैसे पकड़िएगा, अगर ज़रा गलत पकड़ेंगे तो फिर वो स्टीयरिंग हार्ड हो जा रहा है पैनिक की वजह से, यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट में जाके हाँ अभी टर्न करो, हाँ गुड, अभी सीधी करो फुर्ती से बस। अभी देख रहे हो जब आप सिग्नल देते हो तो ऑटो कट हो जाता, तो ये चीज़ें हमारे माइंड में, देखो ड्राइविंग का क्या मतलब होता है, फर्स्ट डे से मैं 15 डेज वही सेम चीज़ें सिखाता हूँ, कुछ अलग नहीं है, वही क्लच, वही ब्रेक, वही गियर, सारी चीज़ें वही हैं, कुछ अलग है नहीं, अलग है तो सिर्फ रूट चेंज है बस। अभी आप सेकेंड गियर में थोड़ा सा गाड़ी को बढ़ा के चल सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अभी एकदम सीधी जानी चाहिए गाड़ी, टाइमली आपको ये पता हो कि आपने कहाँ पे स्टीयरिंग को घुमाया और कहाँ पे उसको सीधा किया है, ठीक है। हाँ अभी हल्का लेफ्ट दबा के निकालो, उनको हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं है, वो सुनेंगे हॉर्न। फिर अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, एक्सेलेटर लेके चलाओ गाड़ी, 20-30 की स्पीड में चलाओ। अभी लेफ्ट रखो, आप गलत ले गए थे, देखो गाड़ी गलत गई थी नहीं गई थी, एकदम सीधी रखो, फिर उधर ही ले जा रहे हो प्रभु मेरे। मैंने क्या कहा, बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स तो नहीं बन रहा है आपका, फिर गलत गाड़ी ले आए आप। अभी पूरी लेफ्ट टर्न करो, फुल 90 डिग्री से घुमा दो, फुल हाँ घुमा दो, घूम ही रहने दो भाई। अब सीधी करो फटाफट जल्दी जल्दी, ये है सीधा, देख रहे हो स्टीयरिंग राइट रखो, हल्का इधर टायर पड़ा है, बस लेफ्ट आओ हल्का, और अभी भी आप स्टीयरिंग दो टाइट कर ले रहे हो, स्टीयरिंग को ऐसे कंट्रोल करना, छोड़ो बताता हूँ, छोड़ दो हाथ, ये देखो सिर्फ ये ऐसे रखना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टर्न करते हैं, ये देखो मैंने मुट्ठी बांधी, बताइए बांधी मुट्ठी नहीं बांधी, छोड़ दिया स्टीयरिंग, ये देखो मक्खन जैसा चल रहा है। आप इसको जब टाइट कर ले तो ये चीज़ पूरी ताकत लग जाती है स्टीयरिंग को कसने में, स्टीयरिंग को हमेशा ऐसे घुमाओ, ये देखो जितना लाइट पकड़ोगे ना उतना अच्छे से इसको संभाल पाओगे, वापस लेफ्ट आ जाओ, हाँ पूरा फुल सर्कल बना दो, हाँ पूरी घूम ही रहने दो, एट बनाना है मैथ का आपको, पूरी फुल घूम ही रहने दो, फुल पूरा सर्कल जाने दो, पूरा एट बना है, अभी जाने दो पूरा फुल हाँ, अभी पूरी राइट घुमा दो 90 डिग्री से। अभी स्टीयरिंग नहीं घूम पाया मालिक, इतनी देर में आपका पूरा, देख रहे हो फुल घूम ही रहने दो राइट, हाँ फुल, जब मैं बोलूं तो 2 सेकंड में पूरा स्टीयरिंग आपका घूमना चाहिए। और ये भी देखो आप 0-8 आप बना रहे हो, आपको 0 मेंटेन करना पड़ेगा। अभी पूरी लेफ्ट घुमाओ जल्दी से, एक हाथ से स्टीयरिंग घुमाओगे तो और अच्छी घूम पाएगी, बाइक वगैरह में दोनों हाथ पकड़ने जरूरी होते हैं, पूरा सर्कल बना रहने दो, हाँ गुड, अभी वापस राइट घुमाओ फटाफट। अब आप अपने मन से ये 8 बनाओगे, मैं नहीं बताऊंगा कहां से घुमाना है, कहां से सीधा करना है, ठीक है, ये आप बनाओगे, कोई टफ नहीं है, आप जहाँ से टर्न कर रहे हो वहाँ से आपको बस याद रखना है। सर दूसरी जगह बना, अभी लेफ्ट घुमाओ फटाफट, फिर फायदा क्या है भाई साहब दूसरी जगह बनाने का, इतना बड़ा ग्राउंड है कहीं भी बना सकते हो, फिर एक लाइन होती है रोड तो गाड़ी चलाओगे। एक ही तो 0 बनाना होता है, एक 0 को बार बार थोड़ी घुमाना होता है, अब यहाँ से राइट वापस 3 बार एक ही राउंड पे, एक ही 0 पे 3 बार आपने गाड़ी को घुमा दिया। यहाँ से लेना है ना, अभी नहीं अभी नहीं, अब ले लो, चल रही है। दोस्तों ये था कार के स्टीयरिंग को कंट्रोल करना, कार चलाते वक्त स्टीयरिंग हमें कैसे सीखना है, एक ही राउंड मारना होता है भाई मेरे, 1-0 पे एक ही बार, तो एक ही बार में पेन डबल घुमाएंगे क्या आप, लीके मैंने ऐसी बनवा दी है यहाँ से, अब टर्न करो फुर्ती से, एक ही बार एक ही 0 बनाना है, दोबारा उस पे टायर नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हैं। स्टीयरिंग को सीखने का सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों, किसी बड़े ग्राउंड में आप गाड़ी को लेके जाएं और इस तरीके से स्टीयरिंग को आप सीख सकते हैं। अगर कार का स्टीयरिंग आपसे नहीं संभल रहा है,
90 डिग्री से स्टीयरिंग ऐसे ही पॉइंट पे घुमाना पड़ता है जहाँ पे हमको यूटर्न करना हो या खड़ी गाड़ी को पूरा घुमाना हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चलते रहो धीरे धीरे। सर अभी कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा सा समझ सकते हैं क्या? हो जाता है।